नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो लॉ के लिए जो सिंबल है, जो लेडी ब्लाइंड लेडी जिसके हाथ में तराजू और शॉर्ट यानी तलवार है, उसके विषय के बारे में। दोस्तों ये एक्चुअल में आया कहाँ से और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। दोस्तों ये जो स्टैचू है लेडी का, ब्लाइंड लेडी का, ये स्टैचू मान्यताओं के अनुसार ग्रीक जो कंट्री है उसमें ये देवी का रूप मानी जाती है और उस देवी का नाम वहाँ पे थेमिस के नाम से प्रसिद्ध है, यानी थेमिस नाम की जो है जो लेडी है वो स्टैचू में है और इसके ऊपर आंखों पे काली पट्टी बनी हुई है और जो उसके बाएं हाथ में तराजू है और दाएं हाथ में तलवार है। दोस्तों इसके पैरों के नीचे जो है सिंबल है वो एक सांप है जिसको उसने पिचक रखा है। दोस्तों हम सीरियली आते हैं सबसे पहले आंख की पट्टी के लिए। दोस्तों लोग ये सोचते हैं कि आंख की पट्टी से मतलब ये है कि कानून गंदा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आंख की पट्टी का मतलब इसका पीछे की ऐतिहासिक बात है वो ये है कि कानून ये कहता है कि उसको ये नहीं पता कि उसके सामने कौन खड़ा है, यानी वो छोटे बड़े ऊंच नीच या किसी तरह की प्रभावशाली या गरीब व्यक्ति को समान नजर से देखता है। उसके सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सब बराबर है, वो किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझता और इसीलिए उसने आंख पे जो है पट्टी बनी हुई। आंख पे पट्टी का मतलब सिर्फ इतना है कि उसके सामने कौन खड़ा है उसे कोई मतलब नहीं है, वो एक बाहुबली है, एक कमजोर आदमी है, एक पैसे वाला आदमी है, एक कमजोर आदमी, वो सबके लिए समान है, कानून सबके लिए एक समान रूप से लागू होता है। दूसरा जो पगड़ा है वो संतुलित ऑर्डर के लिए है, यानी कि वो जो जजमेंट उनके आते हैं कानून का जो जजमेंट होता है वो बड़ा ही संतुलित होता है, यानी इक्वल होता है, पैरेलल होता है, किसी भी तरह की उसमें गुंजाइश नहीं होती, ऊंच नीच की यानी छोटे बड़े की कोई गुंजाइश नहीं है, उसका जो ऑर्डर है वो इक्वल है, पैरेलल है और संतुलित है। तो वो जो सिंबल है तराजू का वो सिंबल पैरेलल से है, संतुलित कार्य से रिलेटेड है। इसी तरह से दोस्तों जो तलवार है वो इस बात का परिचायक है कि कानून को लागू कराना भी कानून को आता है, यानी जो हम कहते हैं कानून का राज है वो उस तलवार से ही संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर समझता है तो कानून के हाथ में तलवार भी है, वो उसे कानून की पालना करवाना भी सिखा सकता है। इसी तरह से दोस्तों जो पैरों के नीचे सांप दिखाया गया है उछलता हुआ वो इस बात का परिचायक है कि जो कानून है वो बुराई और भ्रष्टाचार को कुचल देता है, वो अपने पैरों के नीचे रखता है, उसके सामने बुराई और भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होती, वो उसे अपने पैरों के नीचे दबा के रखता है। तो इस तरह से ये जो चार सिंबल है वो इस बात के परिचायक है कि कानून के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं, कानून संतुलित और पैरेलल और इक्वल जजमेंट देता है, कानून जो है सबको समान रूप से देखता है और अपना कानून लागू करवाना भी उसे आता है और बुराई और भ्रष्टाचार को पैरों के नीचे उछल के रखता है। दोस्तों इसी संबंध में मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्रेस है वकीलों की ब्लैक जो है ये ब्रिटिश काल से ही ब्रिटिश लोगों ने अपना रखी थी और उसी को हमने अडॉप्ट किया है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ठंड ज्यादा पड़ती थी इसलिए वो इस ड्रेस को अडॉप्ट करते थे। जहां तक गाउन का सवाल है, इंडिया में भी गाउन जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो जगह पहनी जाती है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने समय समय पर जैसे गर्मी के जो दिन होते हैं वहाँ पे गाउन को एक्सेंट किया हुआ है, वहाँ पे आप गाउन ना पहन तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गाउन वहाँ एक्सेंशन है, लेकिन काला पैंट काला कोट ये जो है वो कंपल्सरी है और इसको आपको 12 महीने ही पहनना पड़ता है और ये जो हमने ड्रेस कोड अपना रखा है ये ब्रिटिश काल से जो ब्रिटिशर्स पहनते थे उसी को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें हमने चेंज नहीं किया है, सिर्फ गाउन में रिलैक्सेशन की है। तो दोस्तों आज ये था टॉपिक कानून के सिंबल के बारे में और उसकी ड्रेस के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।